इस प्रक्रिया से शुरू करें ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस, कम लागत में होगा अधिक मुनाफा। आज के समय में लोगों में अच्छी सेहत के लिए जागरूकता काफी बढ़ गई है, इसलिए खान पान की चीजों पर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि मार्केट में ड्राई फ्रूट्स की अधिक मांग बढ़ती जा रही है। न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी ड्राई फ्रूट्स की बिक्री अधिक होती है। यदि आप ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करना चाहें तो आप कुछ ही दिनों में इसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताना चाहेंगे कि आप इस बिजनेस की शुरुआत कैसे कर सकते हैं, इसमें लागत कितनी लगेगी और आप इस बिजनेस में महीने में कितना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस बिजनेस की सही प्रक्रिया। क्या होता है ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस? सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस होता क्या है। ड्राई फ्रूट्स वो होते हैं जिसके अंतर्गत बादाम, पिस्ता, काजू, मूंगफली, अखरोट, छुआरा, मुनक्का, किशमिश, सूखा अंजीर, मखाना जैसी अन्य चीजें शामिल होती हैं। बता दें कि मार्केट में ड्राई फ्रूट्स की सेलिंग दो तरह की होती है। पहली वो जिसमें ड्राई फ्रूट्स खुले हुए मिलते हैं और दूसरी वो जिसमें ड्राई फ्रूट्स डिब्बे में पैक किए हुए मिलते हैं। मार्केट में पैक किए हुए ड्राई फ्रूट्स की अधिक मांग है। ड्राई फ्रूट्स को सूखे मेवे के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में ऐसी कई सारी कंपनियां हैं जो ड्राई फ्रूट्स को एक ब्रांड बनाकर बेच रही हैं। क्या होते हैं ड्राई फ्रूट्स के लाभ? किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले आपको ये जरूर जान लेना चाहिए कि ये बिजनेस आपके लिए और लोगों के लिए कितना फायदेमंद होगा। तो आइए जानते हैं ड्राई फ्रूट से होने वाले फायदों के बारे में। ड्राई फ्रूट्स दिमाग को मजबूत बनाए रखने के काम आते हैं। ड्राई फ्रूट्स का सेवन करने से ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। इसके सेवन से आप हार्ट अटैक के खतरे से बाहर रहते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स आपको कैंसर जैसी बड़ी बीमारी से दूर रखता है। ड्राई फ्रूट्स के जरिए वजन भी कंट्रोल किया जा सकता है। बता दें, बादाम में फाइबर, ओमेगा 3, ओमेगा 6, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जस्ता जैसे महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जो शरीर के लिए काफी लाभदायक होते हैं। इसके अलावा पिस्ता, काजू, अखरोट, मखाना जैसे सारे ड्राई फ्रूट्स के अपने कुछ बेहतरीन फायदे होते हैं जो सेहत के लिए काफी लाभदायक रहते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने से पहले जरूर जान ले इससे जुड़ी कुछ खास बातें। बिजनेस के लिए सही स्थान का चुनाव। आपको पता लगाना चाहिए कि जिस जगह आप अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं उसके आसपास पहले से ही कोई ड्राई फ्रूट्स की दुकान तो नहीं है। यदि है भी तो वो किस तरह का माल बेच रहे हैं। ये सब देखते हुए आपको अपनी दुकान में अच्छी क्वालिटी और अलग अलग प्रकार के ड्राई फ्रूट्स रखने होंगे। इसके अलावा आप इस बात का पता करने की कोशिश करें कि मार्केट में जिस व्यक्ति की पहले से ही ड्राई फ्रूट्स की दुकान है, क्या उसकी कमाई अच्छे से हो पा रही है या फिर नहीं। मतलब ये है कि जिस जगह आप अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं उस जगह की अच्छे से रिसर्च कर लें ताकि भविष्य में आपको अपने बिजनेस में किसी भी तरह का नुकसान ना झेलना पड़े। कितना करना होगा इस बिजनेस में निवेश? ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट में इसकी सही कीमत के बारे में जानना होगा। सही रिसर्च के बाद ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको किस लेवल पर इस बिजनेस की शुरुआत करनी है। वैसे तो इस बिजनेस को आप कम से कम 50,000 रुपए में भी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बजट के हिसाब से भी तय कर सकते हैं। यदि आप 50,000 से ज्यादा कीमत लगाना चाहते हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि शुरुआत में ज्यादा पैसा ना लगाएं। पहले कम निवेश करें, फिर देखें कि मार्केट में इसकी कितनी वैल्यू है, इसके बाद ही ज्यादा से ज्यादा निवेश करें। बता दें कि सर्दी के मौसम में ड्राई फ्रूट्स की अधिक मांग होती है। ऐसे में आप इस मौसम में अपने बिजनेस पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स बेचने की कोशिश करें। कैसे करें पैकिंग और सेलिंग? यदि आप ड्राई फ्रूट्स को खुले तौर पर बेच रहे हैं तो आपको इसमें थोड़ी कम कमाई होगी, लेकिन इन्हीं ड्राई फ्रूट्स को बॉक्स में अच्छी तरीके से बेच रहे हैं तो इनकी आपको अधिक कीमत मिल सकती है। इतना ही नहीं बल्कि पैकिंग किए हुए ड्राई फ्रूट्स की मार्केट में भी अधिक मांग होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग खुले हुए ड्राई फ्रूट्स की जगह पैक किए हुए ड्राई फ्रूट्स लेना ज्यादा पसंद करते हैं। इसके लिए आपको ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग पर अधिक ध्यान देना होगा। ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी के साथ साथ आपको बॉक्स की बनावट पर भी ध्यान देना होगा। वो इसलिए क्योंकि जितनी ज्यादा आकर्षक आपकी पैकिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपके माल की सेलिंग होगी। वो कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है, बस यही नीति आपको अपने इस बिजनेस में भी अपनानी होगी। आपको सिर्फ इसे ऊपर से अच्छे से नहीं सजाना है बल्कि अंदर ड्राई फ्रूट्स की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। बिजनेस के लिए स्टाफ।
यदि आप इस बिजनेस को छोटे पैमाने पर शुरू कर रहे हैं तो आपको अधिक लोगों की जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप बड़े पैमाने पर ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने सहयोग के लिए कुछ कार्यकर्ताओं की जरूरत लगेगी। जितना ज्यादा माल आपकी दुकान में होगा आपको उतने ही लोगों की जरूरत होगी। बड़े पैमाने पर बिजनेस के लिए आपको करीब 10 से 12 लोगों की जरूरत पड़ेगी। बिजनेस के लिए लाइसेंस। यदि आप छोटे स्तर पर बिजनेस शुरू करेंगे तो आपको किसी भी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बड़े स्तर पर यानी कि आपके बिजनेस का सालाना टर्नओवर 10 लाख से 20 लाख के करीब होता है तो आपको फिर अपने बिजनेस को जीएसटी के अंतर्गत रजिस्टर करवाना होगा। ड्राई फ्रूट्स के बिजनेस में रिस्क। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको अधिक जोखिम नहीं उठाना पड़ता, लेकिन कभी कभी मौसम के अनुसार ड्राई फ्रूट्स में कीड़े पड़ने की संभावना रहती है। ऐसे में आप बदलते मौसम के अनुसार इनकी पैकिंग पर ध्यान दें। इसके लिए आप कुछ एंटीबायोटिक्स के जरिए अपने माल को सुरक्षित रख सकते हैं। कैसे करें ड्राई फ्रूट्स की मार्केटिंग। किसी भी बिजनेस का मुनाफा उसकी मार्केटिंग पर टिका होता है। आपके बिजनेस की जितनी अच्छी मार्केटिंग होगी उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई होगी। इसलिए बिजनेस को लंबे समय तक चलाने के लिए और अच्छे मुनाफे के लिए आपको इसकी मार्केटिंग पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना होगा। इसके लिए आप पैम्फलेट छपवाकर उन लोगों के बीच बंटवा सकते हैं, साथ ही मार्केट में जगह जगह अपनी दुकान के नाम से होर्डिंग लगवा सकते हैं। बिजनेस की और भी अच्छी मार्केटिंग करने के लिए आप सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं। इसके माध्यम से आप अपने बिजनेस के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे। ना सिर्फ इस बिजनेस को अपने देश में बल्कि विदेश में भी फैला सकते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स की मांग विदेशों में भी अधिक होती है। ऐसे में आप सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश में भी अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक जैसी साइट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन साइट्स पर आप अपने बिजनेस से जुड़ी सारी जानकारी शेयर करें और अपने बिजनेस पेज को अपडेट करते रहें। कितनी होगी कमाई। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप हर मौसम में मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि ठंड के दिनों में इनकी डिमांड ज्यादा रहती है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाकी के दिनों में इनकी बिक्री नहीं होती। ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस एक सूखा बिजनेस है जिसे आसानी से कहीं पर भी शुरू किया जा सकता है और इसमें कमाई भी अच्छी होती है। यदि आपने छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को शुरू किया है तो आपको महीने में 30 से 40 हजार की कमाई हो सकती है।